नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं डीएसजी न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट ये था कि बिहार में कोरोना का जांच जो है वो सही स्तर पर नहीं हो रहा है, जिसके बाद बिहार में बयानों का जो दौर है वो खूब चला। पप्पू यादव भी लगातार कोरोना टेस्टिंग को लेकर के सवाल उठाते रहे। एक बार फिर पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। पप्पू यादव का कहना है कि नीतीश कुमार कोरोना के काल में पूरी तरह से फेल है, बस वो सियासी अपना जो राजनीति है उसको चमकाने में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया उसका जवाब नीतीश कुमार के पास है। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। सर, सबसे पहले पूरा बिहार और देश नीतीश कुमार जी से जानना चाहता है कि जब आप 10,000 जांच करते थे तो 4,000 पॉजिटिव होता था, और जब आप 1,00,000 से 1.5 लाख जांच कर रहे हैं तो 2,000 पॉजिटिव हो रहा है। क्या है? ये मौत का सौदागर का खेल आप नहीं खेल रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया था यही एक सबसे बड़ा सवाल था? और उसको जब रीट्वीट नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट को रीट्वीट किया चिराग जी, तो आपने कालिदास और सूरदास का खेल शुरू कर दिया। बिहार की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा, 30 साल से धोखा तो होता ही रहा। नीतीश कुमार जी की सरकार ऐसी सरकार है जो घुसखोर विद्यार्थी गत्ता मोर 15 साल में मैट्रिक पास नहीं कर पाए। अब मैट्रिक पास करने के लिए घुसखोर विद्यार्थी सब 5 साल और मांग रहे हैं। एक तरफ घुसखोर, एक तरफ नालायक। बिहार की जनता घुसखोर और नालायक को कैसे 5 साल और देगी, इसके लिए अपने अपने काल का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए इन्हें। पंद्रह साल का श्वेत पत्र दोनों आदमी लाए और 5 साल जनता के बीच बहस करने के लिए हम चुनौती देते हैं कि आगे 5 साल एजेंडा क्या होगा, और 30 साल में घुसखोर विद्यार्थी और नालायक विद्यार्थी महाभारत के धृतराष्ट्र के पास तो दूरदर्शी संजय थे, इस दो धृतराष्ट्र के बाद दो संजय, क्या इस दोनों संजय ने बिहार की जनता को मारने की तैयारी कर ली है? दो संजय, दो धृतराष्ट्र। आप पता है सबको दो संजय कौन है और दो धृतराष्ट्र थी जो मैट्रिक पास नहीं किया वो 5 साल पास और के लिए बारे बार। सीधा सवाल है मेरा इसमें कि 15 साल बाढ़ और अन्य चीजों से तो आप मारे, अब कोरोना वायरस का 1.5 लाख चुनाव लड़ने के लिए बिहार की जनता को मारने की तैयारी, ऐसा राजा पहली बार। और जो इनको ट्वीट करके आईना दिखाया और उसी को गाली, सुशासन बाबू ये परजीवी दलित नेताओं से मैं आग्रह करूंगा, दलित मूवमेंट को समाप्त मत। ये दोनों व्यक्ति ने दलित नेतृत्व को समाप्त किया है आज तक। दशरथ मांझी को 1 मिनट चेयर पर बैठा के आज तक 1 रुपया की मदद नहीं की। पप्पू यादव को हर महीना 10,000 रुपया दशरथ मांझी के परिवार को भेजना पड़ता है। दूसरी चीज, जीतन राम मांझी को मारने में दोनों व्यक्ति ने, नीतीश बाबू और लालू बाबू के दोनों के गठबंधन ने, एक दलित परिवार का
जब व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा था तो उसे फिनिश करने के लिए दोनों एक हो गए। 100 में 90 हमारा, मतलब 10 ऊंची जात, 90 में पिछड़ा दलित, तो 90 में 30 दलित क्यों नहीं, 90 में 22 अत्यंत पिछड़ा क्यों नहीं, 90 में नीतीश लालू जी ही क्यों? और जब दोनों आदमी ने आप किसी को मारने में कसर नहीं रखा, नीतीश बाबू और दोनों बाबू, कभी रमे राम को डगरा का बैगन बना दिए, कभी उदय नारायण चौधरी को डगरा का बैगन बना दिए, कभी श्याम रजक जी गए, अब चुनावी चोर चोर मुसेरा भाई, 100 चूहा बिल्ली खा के चले हज करने, 4.5 साल तक आप माल कमाते हो, लूटते हो, सत्ता भोगते हो, और उसके बाद फिर इधर से उधर, और इसी से दलित नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है। हम जितन माझी से याद दिलाना चाहेंगे कि जितन राम माझी जी आपको मारने में दोनों व्यक्ति ने कसर नहीं बाकी रखा। दलित नेतृत्व को अपने और अपने परिवार के लिए समाप्त मत करिए। ये नीतीश बाबू वही हैं जितन राम जी जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर मानने से मना कर दिया था और फिर गले मिले। ये नीतीश बाबू वही है जिन्होंने लालू यादव को माफिया कहा, डकैत चोर कहा, और फिर 15 में गले मिल लिए। तब लालू यादव जी भ्रष्टाचारी और माफिया नहीं थे। ये बिहार की जनता जवाब चाहती है नीतीश कुमार से। तब लालू जी क्या भ्रष्टाचारी से समाप्त हो गए थे? और दूसरी तरफ नीतीश बाबू लालू यादव के बाद आपके कैबिनेट के डिप्टी सीएम, तब याद नहीं था कि घर में बैठ के ये ट्विटर खेलते हैं? तब आपको डिप्टी सीएम कैसा लगा? ये दो डिप्टी सीएम जो एक पेड है आपका, वो बीजेपी नहीं है, वो कंप्लीट रूप से जदयू पार्ट टू है, जिन्होंने बिहार की जनता के साथ सौदा किया। और दूसरा डिप्टी सीएम जिसको आप 8 साल 8 साल कहते हैं, अरे सुशासन बाबू आप उस मंत्री को समझाइए, 8 साल का डिप्टी सीएम ही सीएम के साथ काम किया था। आज आपको 8 क्लास कैसे याद आ जाता है? आप कितना बदलिएगा? प्रशांत किशोर को उत्तराधिकारी बनवा दिए और फिर लात बरवा दिए, जितन राम माझी को लात बरवाए, उदय नारायण चौधरी को यूज किए आप, फिर लात मार दिए, और अब रामविलास पासवान को आप आंख दिखा रहे हैं। चिराग पासवान, जितन राम माझी आओ, चिराग पासवान भागो। पप्पू यादव, मैं उस 30% दलित की बात पहले से करते आ रहा हूं, और नया में कोई चिराग पासवान या मीरा कुमार के बारे में मैं नहीं कहा हूं। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस मीरा कुमार को सामने लाए। कब तक रघुपति और कांग्रेस को शुद्ध बुद्धि दे भगवान। मैं चाहता हूं एक मजबूत विकल्प। ये बिहार की आवाज है। 446 गांव घूमने के बाद मैं कह रहा हूं, 104 पंचायत, बिहार का ऊंची जात पिछड़ी जात दलित चाहता है एक नया विकल्प और नया एरा। 30 साल की घिसी पिटी राजनीति से बाहर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरी महत्वाकांक्षा भी मुख्यमंत्री बनने की है। बिहार की जनता पप्पू यादव को 73% चाहता है मुख्यमंत्री बने, लेकिन बिहार के हित में हमारी महत्वाकांक्षा का कोई औचित्य नहीं है। हम बिहार और बिहारी का हित देखना चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, यदि 2020 में कांग्रेस ने जो देश की बात करता है और बिहार में आके अपनी बात पर उलझ जाता है, और उसके जो बिना पेंडिंग के लौटा नेता है, मैं ऊपर नेतृत्व से बात बार बार कर रहा हूं, और यहां जिनको
अपने बाल बच्चा भतीजा बेटा को लड़ाना है बिहार में, वो बिहार को मारना चाहता। मैंने बिहार के शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि आप सबको रखिए, कोई आपत्ति नहीं, या तो कांग्रेस का कोई कैंडिडेट मीरा कुमार हो, या आज जो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी, अब आप भूल जाइए 15 साल के शासन पर नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि कोरोना वायरस में कुछ भी बिहार अच्छा नहीं, और रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान ने घटक ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से लेकर अभी तक आपके 15 साल के शासन को सही नहीं ठहराया है, और कहा कि हेल्थ और एजुकेशन और बिहार में कुछ भी सही नहीं है, बाढ़ में सही नहीं है, 77 लाख लोग मौत में आपने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया बिहार को, अक्टूबर तक बारिश रहेगा, और आपका पागलपन सिर्फ वर्चुअल और डिजिटल के बदौलत चुनाव लड़ने की तैयारी, और कोरोना वायरस में 1.5 लाख जांच के बाद, और वो जांच की प्रक्रिया बिल्कुल गलत, ब्लड सैंपल से जांच नहीं हो सकता, पहले आपने जीविका के थर्मामीटर से नाप लिया, अब ब्लड सैंपल, निगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है नीतीश कुमार की पूरी तंत्र, और इसीलिए अमृत प्रत्यय को लाया गया, निगेटिव को पॉजिटिव करके। ये बताओ जनता को, चुनाव आयोग को, साफ शब्दों में कि यहां पर पॉजिटिव निगेटिव तुरंत हो गए, और ये गलत साजिश है बिहार की जनता के साथ, ये मौत का सौदा कर रहे हैं चुनाव के लिए। इसलिए श्वेत पत्र चाहता हूं 15 साल का, मैं श्वेत पत्र करने को, बहस करने को गांधी मैदान में तैयार हूं। पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी का जो निर्णय था दलित नेतृत्व का, अत्यंत पिछड़ा नेतृत्व का, मैं आज भी तटस्थ हूं, और मैं चाहता हूं यदि रामविलास जी, चिराग जी, आप बिहार और बिहारी के हित में बात करते हैं, यदि आपने आईना दिखाया है तो रास्ते के लिए भी साथ आइए, और कांग्रेस के नेतृत्व से हमने आग्रह किया है कि आप एक नई थर्ड फ्रंट की वकालत कर आगे बढ़िए। मैं दलित नेतृत्व बिहार में चाहता हूं, ताकि एक मजबूत विकल्प की ओर हम बढ़े, और बिहार को नंबर वन बिहार बनाने में हम लोग मिलकर काम करें। बिहार हद हो गया जात धर्म हिंदू मुसलमान, ये अब नहीं चलेगा, और इसीलिए मैं बार बार चिराग जी या कांग्रेस की मुखालपत की बात करता हूं, या नहीं कि चिराग जी के लिए मेरा कोई ऐसी बातें हैं, इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि वो बिहार की बात करते रहे हैं, और 15 साल के सुशासन को उन्होंने कहा है कि गलत हुआ है, बाढ़ और कोरोना पर खुल के बोले हैं, हेल्थ और एजुकेशन पर। इसलिए चाहता हूं संभावना है, आए और कोई दलित नेतृत्व दे, आपको कुछ कहना हो तो कुछ कह। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। यदि नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देना है, यदि नीतीश कुमार को ही वोट देना है, यदि लालू यादव जी को ही वोट देना है, यदि पप्पू यादव को ही वोट देना है, तो मीरा कुमार चिराग को क्यों नहीं? और यदि जात के आधार पर ही मूल्यांकन होता है गठबंधन का, तो 28-29% दलित है। मेरा ये सवाल है, मेरा सवाल है 22% अत्यंत पिछड़ा है, मेरा ये सवाल है। और जब ऊंची जात के भाइयों को वोट देना ही है मोदी या लालू नीतीश को, तो फिर चिराग और पप्पू और मीरा क्यों नहीं? ये सवाल है पप्पू का, जात पात का सवाल नहीं है। सर, मैं दलित नेतृत्व पर कहा, और कांग्रेस को कहा कि आप कांग्रेस से नेतृत्व दीजिए ना मीरा को, या चिराग पासवान यदि आता है बिहार के नेतृत्व के लिए तो मेरा पूरा सहयोग होगा। तो कैसे निश्चित रूप से कांग्रेस और कोशिश करेंगे लोजपा, कांग्रेस और भी जो वैचारिक गठबंधन के लोग हैं उनको लाकर बिहार को बचाने की, और ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। तो बिहार में थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं जब बात तो करेंगे ही ना, बिहार बचाने का वकालत तो करेंगे ही, और कर भी रहे हैं,
और सितंबर तक इंतजार कीजिए, फर्स्ट सेकेंड वीक तक इंतजार करिए, आपको मजबूत विकल्प मिलेगा बिहार में। सर व्यक्ति से सिस्टम नहीं, व्यक्ति नेतृत्व से इकाइयां बदलती है जनाब, आप घबराइए नहीं। जिस राइफल में गोली नहीं चलता वही राइफल गोली भी चलाए। सर आज तक बेइज्जत किया गया जितना मांझी को, दशरथ मांझी को से लेकर के रमन राम को, जितने नेतृत्व है सबको, और ये पर्ची भी दलित नेता अब नहीं चलेंगे, सामर्थ दलित नेता चलेगा और उसके साथ पप्पू यादव खड़ा है। सर मेरे लिए दरवाजा जनता का खुला है, आपको पता नहीं है 73% जनता पप्पू यादव के साथ खड़ा है, आप उसकी चिंता ना करिए। लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है एक मजबूत विकल्प देना, इसलिए मैं लगातार ये सवाल पर करा हूं और बातचीत भी चल रही है। सब चल रहा है सर, जरूरी नहीं है कि आपका ही एग्जिट पोल है, एबीपी न्यूज का देख लीजिए पता चल जाएगा जी। सर 10 लाख काट जा रहा है और पहले बिहार का जो चुनाव किया गया है उस पर कल हाई कोर्ट जाएंगे। सर आपने कहा कि बिहार हित में मैं अपनी महत्वाकांक्षा को भूल जाऊंगा, आपकी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा किसको नहीं रहती है? नहीं, तो हम आपने सरेंडर कर दिया, आप ये सोच रहे कि हम सीएम नहीं बन सकते? सरेंडर करने का बिहार के हित में कुछ भी कुर्बानी देने को हम तैयार हैं। जब सब पॉजिटिव हो सकता है, जब सब पॉजिटिव हो सकता है और हम 70 लाख लोगों से मिल चुके हैं, हम निगेटिव हैं, इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? 436 गांव हम घूम चुके हैं और डेली 10,000 लोगों से हम मिलते हैं, जो मौत से खेलता हो उससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? सर ये महामारी है, आप सब जगह गए सर, किस तरह की महामारी? भैया वो आप जानिए ना कर क्या होती है, जो एसी में बैठते हैं उनसे पूछे, उसका प्रवक्ता हम नहीं है। आप कह रहे हैं कि 70% जनता चाहती है कि आप मुख्यमंत्री बने, आगे जाके ये कॉन्फिडेंस है कि आने वाली सरकार आपकी है, जनाधिकार पार्टी की? सर एक लीडरशिप अकेला बहुत सुंदर हो जाए, लेकिन जो राजनीति का कखरा है, ये जो जनता गठबंधन, वो भी एक बेहतर चीज होती है और बेहतर गठबंधन की कल्पना हम कर रहे हैं। सर एक सवाल है कि आप अक्सर कैसी अदब से सवाल करते हैं, वो गायब रहते हैं। मैंने तो कोई सवाल नहीं किया। किसी तरह काम करते हैं, 5 महीने के बाद जमीन पर होते हैं, अब लेट नहीं हो गया? सर मुझे समझ में नहीं आता है कि आपके ज्ञान पर मैं क्या बोलूं, विपक्ष का नेता कौन है, डिप्टी सीएम कौन बने, 80 विधायक किसके पास है, जिम्मेदारी किसको जनता ने दी है, 15 साल पहले 15 साल किसकी सरकार थी, चिराग पासवान एक सांसद हैं और एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट से उन्होंने अपने ही घटक दल पर निश्चित रूप से बिहार के हित में सवाल जरूर खड़ा किए। अब वो आते हैं कि क्या करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब नए विकल्प की बात करूंगा तो 30 साल अलग, तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा चिराग पासवान जी भी आए, कांग्रेस नेतृत्व करें और मिलकर के बिहार बचाएं। लेकिन जिम्मेदारी जिनको मिली और वो पिकनिक सिर्फ मनाते रहे, और जो 4 दिन पहले जो कोई कुकर बाकी नहीं रखा था श्याम रजक, क्या नहीं कहा था इसी विपक्ष के नेता को, क्या आज वो 15 दिन में ठीक हो गए? और जो नीतीश कुमार को करिया है वो ठीक हो गए? इसलिए सवाल विपक्ष का है और सत्ता पक्ष का है, नीतीश कुमार और विपक्ष, सवाल इसी पर आएगा जब ये दोनों अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए।
और 15 साल तक घुसखोर विद्यार्थी बने रहे नीतीश बाबू, और आप मैट्रिक पास करने के लिए फिर से मौका मांग रहे हो, तो क्या करें? यही तो सवाल है। और मैंने 15-15 साल का श्वेत पत्र जारी करने कहा है, और जनता बहस करे, जैसे मैं मैनिफेस्टो, जनता का मैनिफेस्टो बना रहा, जनता से पूछ करके मैं प्रतिज्ञा पत्र देने जा रहा हूं, और कोर्ट में एफिडेविट दूंगा, यदि है किसी को हिम्मत तो कोर्ट में एफिडेविट दे के आए। यही सवाल है। जी जी सर, कोरोना वायरस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जब से शुरू हुआ तब से उन्होंने सवाल उठाया है अस्पताल पर, एजुकेशन पर और कई सारे मुद्दों पर हमेशा, और घटक दल में रहकर, एक घटक दल में रहकर, सरकार में रहकर सवाल उठाना निश्चित रूप से यह दिखाता है कि 15 साल का शासन नीतीश कुमार जी का सही नहीं था। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।